मेरठ में नोडल अधिकारी पवन कुमार व जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने जनपद के विभिन्न स्थानों का दौरा कर लॉकडाउन की स्थिति को जाना। उन्हें सभी जगह बाजार बंद मिले। उन्होंने वार्ड 27 पलेड़ा मोदीपुरम का निरीक्षण किया और वहां साफ सफाई अभियान व चलाए गए सर्वे अभियान की स्थिति को जाना। नोडल अधिकारी व जिलाधिकारी ने जनपद के बेगमपुल, आबू लेन, भैंसाली, बस अड्डा आदि विभिन्न स्थानों का दौरा कर लॉकडाउन की स्थिति को जाना। उन्हें सभी जगह बाजार बंद मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि वार्ड 27 पलेड़ा में कोरोना के संदिग्ध मरीजों की पहचान के लिए 2 जुलाई से 12 जुलाई तक चलाए गए घर घर सर्वे अभियान के अंतर्गत अम्बेडकर भवन में चलाई गई टेस्टिंग के उपरांत पॉजिटिव मिले लोगों को श्रीराम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतापपुर, MS मेडिकल कॉलेज खरखोदा में भर्ती कराया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आवश्यकता हो तो एंटीजन टेस्ट कराया जाए। इस अवसर पर नगर आयुक्त अरविंद चौरसिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनीस अहमद, बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार ढाका सहित प्रशासन व नगर निगम के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, आपके सामने हम लोग इस समय जो है सदर थाने में खड़े हैं मेरठ जनपद के। लॉकडाउन में जनता का पूरा सहयोग रहा है। सभी लोगों ने अपने जो है व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं और जो अन्य भी चीज़ें बंद होनी चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से, वो हमने सबको कम्युनिकेट किया, सभी ने पूरा सहयोग किया है। पब्लिक भी घरों से बाहर नहीं आ रही है, सिर्फ आवश्यक वस्तु के लिए जैसे दूध के लिए या मेडिकल के लिए ही कोई बाहर आ रहा है, बाकी सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये पहल की गई है उससे हमें संक्रमण को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। और एक जो मैसेज हम पब्लिक को भी देना चाह रहे हैं उसमें हमें पूर्ण सफलता मिल रही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि जगह जगह नगर निगम की गाड़ियां घूम रही हैं, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्य हर गांव में, नगर निगम के हर वार्ड में कराया जा रहा है। हमारा ये प्रयास है कि 2 दिन के लिए एटलीस्ट हम जो ये कार्य कर रहे हैं सैनिटाइजेशन का, इससे हमें संक्रमण को रोकने में और मृत्यु दर को कम लाने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जुलाई का महीना है, बरसात के समय काफ़ी वेक्टर बॉर्न डिसीज अन्य भी होती हैं, तो इसमें ये जो हम सफाई का कार्य कर रहे हैं इससे हमें कंट्रोल करने में पूरी मदद मिलेगी। संचारी रोग नियंत्रण की जो आपने बात कही है बहुत गंभीर है, क्योंकि एक तरफ कोरोना काल तो चल ही रहा है लेकिन दूसरी तरफ ये स्थितियाँ जो असामान्य न हो जाएँ, इसके लिए आप लोग विशेष तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए 2 दिन के लिए बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन में हम लोग स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का कार्य पूरे जनपद में कराते हैं। 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में भी एक विशेष अभियान चला जिसमें हम लोगों ने घर घर जाके सर्वे किया, जिसमें लगभग 38,60,000 पॉपुलेशन को हमने कवर किया है, जिसमें लगभग 4882 जो है हमारे ऐसे व्यक्ति पाए गए थे जिनको कोई बीमारी थी, उनका सबका हम लोगों ने टेस्टिंग भी कराया है। उसमें 350 के आसपास जो है वो पॉजिटिव भी आए थे। तो एक ये जो हमारा जो ये कार्य चल रहा है घर घर सर्वे का है या सैनिटाइजेशन का है, इससे हमें हर बीमारी को रोकने में कामयाबी मिलेगी, यही हमारी मतलब उम्मीद है। शनिवार और इतवार के अलावा सोमवार को जब दोबारा से बाजार खुलेंगे उसके लिए आप लोग कितना तैयार हैं, क्योंकि तब ज़्यादा तैयारी की जरूरत है ऐसा लगता है? बिल्कुल, 2 दिन अगर जैसे बंद रहता है तो मंडे को भीड़ होने की संभावना रहती है, तो इसमें हम लोग अपने मजिस्ट्रेट और पुलिस के माध्यम से बार बार लोगों को भी जागरूक करते हैं कि एक तो मास्क लगाना अनिवार्य है, अगर नहीं कोई लगाएगा तो हम 500 रुपये का जो है चालान काटेंगे। दूसरा, सफाई की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कराते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदार की भी है। अगर कहीं भी कोई उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा कि एक ही दुकान में उसने बहुत सारे कर दिए हैं, सैनिटाइजर नहीं है, मास्क नहीं है, और उसके बावजूद भी वो अपना सामान बेच रहा है, तो हम लोग उनकी दुकानों के खिलाफ FIR भी कराएंगे और सख्ती से जो है कार्रवाई करी जाएगी।